अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Zaions.com। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस में कमेंट्स के मुताबिक कि वर्डप्रेस में कमेंट्स क्या होते हैं और उनमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद हम उसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेजेस के नीचे ऑप्शन है कमेंट्स का, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज है। यहाँ पर आपको आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के सारे कमेंट्स नज़र आ रहे हो। तो कमेंट्स होते क्या हैं? मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस में मेन कॉन्सेप्ट है पोस्ट्स का। तो हर एक पोस्ट में ऑप्शन होता है कि यूज़र उस पर कमेंट कर सके। पोस्ट क्या चीज़ होती है कि हमने कोई भी एक आर्टिकल लिखा था अपना, वो एक पोस्ट कहलाई, तो यूज़र ने उसको पढ़ के उस पर अपना फीडबैक जो दिया वो उसका कमेंट कहलाया। तो जो भी यूज़र कमेंट करेगा वो हमें इस एरिया में नज़र आएंगे। हम जल्दी से एक अपनी पोस्ट पे कमेंट कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आ जाए कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम इसको व्यू करेंगे और ये एंड पे ऑप्शन होता है कमेंट का। आप चाहते हैं कि आपने कोई पोस्ट बनाई है और उस पर यूज़र कमेंट ना कर सके, तो आप उस पोस्ट को एडिट करेंगे और इसमें ऑप्शन होता है अलाउ कमेंट्स का डिस्कशन में। आपको अगर ये ऑप्शन नज़र ना आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि आप स्क्रीन ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ से ये डिस्कशन का टाइम ओपन कर लेंगे। इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा और आप इसको फिर यहाँ पे कर सकते हैं कमेंट्स अलाउ करने। अगर आप इसको नहीं करेंगे अलाउ और अपडेट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से कमेंट्स गायब हो गए। अब यूज़र इस पोस्ट पे कमेंट नहीं कर सकता। आप अगर इसे इनेबल कर देंगे और सेव करेंगे तो यूज़र इस पोस्ट पे कमेंट कर सकता है। आप चाहते हैं कि आपकी किसी भी पोस्ट पे यूज़र कमेंट ना कर सके तो ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होगी कि आपकी 100-200 पोस्ट हो तो आप सभी पोस्ट पे मैन्युअली जाके इस तरह डिस्कशन के टैब में उसको अनचेक करें। उसका आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाएं। डैशबोर्ड में आने के बाद आप सेटिंग्स में, सेटिंग्स के टैब में आ जाएं और सेटिंग्स के टैब में ऑप्शन है डिस्कशन का। ये आपकी होल साइट की डिस्कशन को कंट्रोल करता है। जो पोस्ट में डिस्कशन का एक टैब है वो सिर्फ और सिर्फ इस पोस्ट के लिए स्पेसिफिक है कि आप सिर्फ इस पोस्ट पे जो कमेंट्स हैं उनको बंद कर सकें, और जो साइट की डिस्कशन है उसमें आप अपनी साइट में जो सारी पोस्ट्स हैं उन सभी के कमेंट्स को बंद कर सकते हैं। आप इस सेटिंग्स में आ जाएंगे और उसमें डिस्कशन के टैब में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स। इस ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन है अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। आप इसको अनचेक कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो नई पोस्ट होंगी उस पर यूज़र कमेंट नहीं कर सकेगा। तो ये तो बात होगी जो नई पोस्ट हैं उस पर कमेंट नहीं, जो पोस्टें पुरानी हैं उनका क्या? आप फिर दूसरे अदर कमेंट सेटिंग, इसमें आप थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन पोस्ट ओल्डर देन। आप इसको चेक करें और यहाँ पर वन डे कर दें। इससे क्या होगा, जो आपकी नई पोस्टें होंगी उस पर भी कमेंट नहीं होंगे और जो पोस्ट एक दिन से ज़्यादा होती जाएगी उस पर भी कमेंट्स नहीं होंगे। इस तरह आपकी साइट पे टोटली कमेंट बंद हो जाएंगे। ये करने के बाद आप इसको सेव चेंजेस कर दें और बाद में आप आके देखेंगे साइट पे कि कमेंट्स का टैब यहाँ से गायब हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर सिंगल पोस्ट के टैब में आके अलाउ कमेंट्स हमने किया भी हुआ है और आप एक दफ़ा फिर सेटिंग को सेव करके फिर आके देखेंगे कि यहाँ पर कमेंट्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने साइट की सेटिंग में कमेंट्स को डिसेबल कर दिया। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है वर्डप्रेस की वेबसाइट में कि अगर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कमेंटिंग सिस्टम नहीं चाहते तो आपको बस ये करना है कि सेटिंग के टैब में आना है और यहाँ पे डिस्कशन में आके इन दो अलाउ कमेंट्स को अनचेक कर दें और यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स फॉर ओल्डर दैन वन डे, यहाँ पर वन एंटर करके इसको चेक कर देना और सेव चेंजेस कर देने। इससे आपकी साइट में से कमेंट्स गायब हो जाएंगे। अभी के लिए हम इसको ऑन ही रहने देंगे और सेव कर देंगे और ये भी कर देंगे अलाउ कमेंट्स। वापस आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमेंट का टैब वापस आ गया। अब यहाँ पे मैं एक डेमो कमेंट करूँगा कुछ भी लिख के पोस्ट कमेंट, और इस तरह आपका कमेंट नज़र आएगा। उसके बाद आप उस कमेंट को, इसमें काफ़ी एक पावरफुल कमेंटिंग सिस्टम है, आप कोई भी उस पर बाद में रिकमेंट करेगा
तो वो कमेंट उसके नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये काफ़ी एक पावरफुल फीचर है। बाद में आपके जो जिस पोस्ट पे कमेंट हुए होंगे वो सारे कमेंट्स आपको इस कमेंट्स के टैब में आ गए होंगे। आप डैशबोर्ड में आएंगे और उसमें से इस कमेंट के टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी आपकी वेबसाइट में जिस जिस पोस्ट पे कमेंट हुए होंगे वो सारे यहाँ पे नज़र आ गए। अगर कोई कमेंट आप उसको अपनी साइट पे नहीं दिखाना चाह रहे तो आप यहाँ पे आएंगे और उसको अनअप्रूव कर देंगे। जैसे ही आप हम पहले देखें कि ये वेबसाइट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कमेंट्स हैं। रिफ्रेश करके एक दफ़ा देख लो, यहाँ पे दो कमेंट्स हैं। मैंने कहा कि ये वाला जो कमेंट था ये मेरी साइट के लिए सही नहीं है। मैं कमेंट्स के टैब में आया और इस कमेंट को अनअप्रूव कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे जाके देखा वो कमेंट वहाँ से गायब हो गया। अब यूज़र्स को वो कमेंट वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। और अगर मैं ये कमेंट को चाहता ही नहीं हूँ, अपनी साइट में चाहता ही नहीं हूँ, तो मैं उसको एक तो स्पैम कर दूंगा। ताकि ये स्पैम करने से क्या होगा कि ये यूज़र नेक्स्ट टाइम हमारा यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकेगा और बाद में उसको हम डिलीट कर सकते हैं। और अगर मैं उस कमेंट को अपनी साइट में चाहता ही नहीं हूँ तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा, ट्रैश करूंगा, और ट्रैश में आने के बाद यहाँ से उसको डिलीट परमानेंटली कर दूंगा। उसके बाद अगर आपने किसी कमेंट को रिप्लाई करना है कि आपको उसने कमेंट में आपसे कोई सवाल पूछा था और आप उसको जवाब देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका जवाब होगा उसको यहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप रिप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कमेंट था, इसको मैंने रिप्लाई किया। रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे मेरा वो जवाब आ रहा होगा कि आपके कमेंट को यहाँ पे उसने रिप्लाई कर दिया है। तो ये था कमेंट्स इन वर्डप्रेस। ये एक काफ़ी पावरफुल फीचर है वर्डप्रेस में और इसको आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।